इस मूवी को देख के इस मूवी को उस लेवल पर पहुंचाइए कि जो अभी तक की जितने भी मैं साफ बोलना चाहूंगी, जितने भी बड़े इतने बड़े बड़े स्टार हैं, ये जो उनका जो लेवल होगा उनसे कहीं लेवल आगे इसको इस मूवी को जाना चाहिए। सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरुण के व्लॉग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है। सो गाइज, जिस वक्त, जिस घड़ी, जिस लम्हा, जिस पल का हम सभी को काफ़ी देरी से इंतजार था, वो वक्त, वो घड़ी, वो लम्हा, वो पल, वो समय अब आ चुका है। यानी कि फाइनली सुशांत सर की मूवी दिल बेचारा रिलीज हो चुकी है और अभी हम लोग जस्ट मूवी देखकर बैठे ही हैं, क्योंकि आपको लग रहा हो कि हम लोग इतना रेडी होके क्यों बैठे, क्योंकि हम लोग जो एक्सपीरियंस करना चाहते थे उस मूवी का, जो थिएटर में हम लोग को देखनी थी, इसको घर पे जैसे हम लोग बैठ के देख रहे हैं, हम लोग वैसे बैठ के ना देखें, हम लोग उसको उसी तरह से देखें जैसा हम लोग थिएटर्स में देखा करते थे। सो आज हम लोग इसी तरह से वैसे ही रेडी होकर जैसे जाना, वही प्रोसेस करना कि चलो जल्दी मूवी स्टार्ट होने वाली है, चलो चल के बैठना है, 5-10 मिनट पहले ही पहुंच जाना, उसी तरह से हमने आज पूरा यहाँ पे सीन क्रिएट किया। सो गाइस, इस मूवी का रिव्यू तो मैं अगर आपको कहूँ तो रिव्यू तो क्या ही करूँ इस मूवी का, क्योंकि सभी को पता है कि सभी के लिए ये मूवी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा इस मूवी का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये मूवी रिलीज हो और कब हम इसे देखें। कि दिल बेचारा मूवी में जो एक्टिंग की अगर बात करें सुशांत सर की, तो एक्टिंग अगेन हम लोग छिछोरे में जो सर की एक्टिंग ऑलरेडी देख चुके हैं, सेट कर दिया था उन्होंने, वो एक अलग ही लेवल उन्होंने मूवी में एक बार फिर से वो दिखाया है लेवल। और साथ ही साथ में जो इस मूवी में जो हीरोइन है संजना सांघी, उन्होंने भी काफी अच्छी एक्टिंग यहाँ पे की। हालांकि उनकी फर्स्ट मूवी एज एन एक्टर, एज ए लीड एक्टर जरूर है, लेकिन वो फर्स्ट बार टेलीविजन पे नहीं आ रही है, फर्स्ट बार कर चुके हैं, यस, काफी सारे कमर्शियल्स वो कर चुकी हैं, काफी सारी पहले उन्होंने कुछ मूवीज भी कर रखी हैं, शायद आपने देखा भी होगा लेकिन इतना नोटिस नहीं कर पाए होंगे। रॉकस्टार मूवी में चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह उन्होंने काम किया था और हिंदी मीडियम में भी आपने उन्हें देखा होगा, शायद इतना नोटिस ना किया हो लेकिन उस मूवी में आप उन्हें देख चुके हैं। बहुत अच्छे से इसे डायरेक्ट भी किया गया। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो मुकेश छाबड़ा जी की अगर बात करूं, सो वो फर्स्ट मूवी उनकी डेब्यू मूवी है, डायरेक्शन का जो जलवा है वो इसमें दिखा है। और मुकेश छाबड़ा सुशांत सर के बहुत अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं। सो इस मूवी में मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं पहले चाहूंगा कि सनी और मधु, मेरी वाइफ जो है, अपना दोनों अपना रिव्यू दें पहले कि इनके हिसाब से क्या है, उसके बाद में इस मूवी के अंदर का जो पार्ट है कि ये मोटिवेशन किस तरह से हमको पिक्चर इंस्पायर करती है आज के इस इतने कठिन दौर में, यानी कि कोरोना के इस दौर में किस तरह से हमको इंस्पायर करती है, उस बारे में आपसे हम लोग और चर्चा करेंगे। तो इस मूवी में जो मेन मैसेज दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स चाहे क्यों ना हो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ हो रही हो, लेकिन आपको लाइफ खुल के जीनी चाहिए। जितने भी आपके पास टाइम है, बोलते ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, सो वही इस मूवी का ये मैसेज है। और सुशांत का जो कैरेक्टर है वो भी ऐसा कैरेक्टर है जो लाइफ को बिल्कुल खुल के जीता है चाहे कुछ भी हो। तो पिक्चर में बहुत सारे सीन्स ऐसे भी जो आपको इमोशनली बहुत आपको टच भी करेंगे, और सुशांत की जो एक्टिंग है, जो उनका नटखटपना आपको वो याद आएगा, उनकी हंसी, उनका मजाक करने का वे, बहुत चीज़ है वो जो आपको इमोशनली टच करती मूवी में। मूवी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, सुशांत की मैं अभी तक सारी मूवी देख चुकी हूं। मुझे मूवी देखते देखते ऐसा लगा ही नहीं कि सुशांत हमारे बीच में नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज़ आप सभी ये मूवी जरूर देखिए, कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा इमोशनली हम ऐसा कहीं हमें लगेगा, कहीं रोना आ जाएगा हमको, मुझे ऐसा लगा, कहीं मैं कहीं ना कहीं सोचने लग गई सुशांत के बारे में। इस मूवी को देख के इस मूवी को उस लेवल पर पहुंचाइए कि जो अभी तक की जितने भी मैं साफ बोलना चाहूँगी, जितने भी बड़े इतने बड़े बड़े स्टार हैं, ये जो उनका जो लेवल होगा उनसे कहीं लेवल आगे इसको इस मूवी को जाना चाहिए। मूवी बहुत अच्छी है, आप सब देखिए, मैंने भी देखा है, बहुत मुझे रोना भी आया है देखते देखते, क्योंकि मैं उसकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ। तो प्लीज़ आप मूवी को ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। यस यस, क्योंकि देखिए मूवी के अंदर बहुत सारे पार्ट ऐसे भी हैं जो आपको लिटरली शायद इमोशनल होने पे मजबूर कर देंगे। ये सबसे ज्यादा अगर ये मूवी इंस्पायर करती है तो उसका रीजन एक बहुत बड़ा ये है, क्योंकि अभी हम जो देख पा रहे हैं कि कोरोना के जिस तरह से केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के अंदर एक ज्यादा डर का माहौल ज्यादा बन गया है, क्योंकि लोग इस चीज से ना कोरोना से इतना ज्यादा नहीं डर रहे जितना उसके डर से ज्यादा डर रहे हैं लोग। सबसे ज्यादा लोग अगर मर रहे हैं या किसी को अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो कोरोना के डर की वजह से करनी पड़ रही है, और इस मूवी के अंदर वही
इंस्पिरेशन इंसान को मिलती है कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी अगर आप डर से बाहर आ गए तो आप एटलीस्ट जिंदगी जीने का जो जज्बा है उसे तो आप एटलीस्ट बिल्डअप कर सकते हैं। और जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं उसे सिर्फ हमें काटना नहीं है, उसे जीना है, उसे खुल के जीना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आने भी वाली है या प्रॉब्लम हो चुकी है सो उस टाइम पे हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उस टाइम पे हमें हमारी ज़िंदगी में क्या क्या ख्वाहिशें हैं। क्योंकि क्या होता है आजकल सभी लोग सिर्फ पढ़े में, सिर्फ पैसा कमाना और ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी असल में कोई जी नहीं रहा है, सिर्फ हम लोग काट ही रहे। इस कोरोना ने एटलीस्ट ये कहूँगा थैंक गॉड कि इस कोरोना ने हमें जीने का मतलब सिखा दिया और अब इस मूवी के ज़रिए हम लोग इस जीना किस तरह से चाहिए, कैसे हमें ज़िंदगी के अंदर हमें लगातार कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से उसे फेस करते हुए हमें उसे ओवरकम करना है, ये मूवी हमें बखूबी सिखाती है। सो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो को भी आप शेयर करिए अगर आपको लगता है तो, और अगर नहीं भी करते तो नेवर द लेस, क्योंकि लाइक कमेंट शेयर इस वीडियो में नहीं बोलूँगा मैं, आपको करना ही नहीं करना है, इट्स अपॉन टू यू, लेकिन एटलीस्ट आप इस मूवी को ज़रूर आप प्रमोट कीजिए। जैसा कि मैम ने भी कहा कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों को प्रमोट करना है, आप सब लोग को देखना है और इसकी हिस्ट्री क्रिएट करनी है कि एक हमारा जो लव, हमारा जो प्यार है सुशांत सर के प्रति, वो हमें यहाँ पे इस मूवी के थ्रू अब शो करना है। और वक्त आ गया है इस मूवी को एक इतिहास में लिखा जाए कि हाँ एक मूवी ऐसी भी थी जो किसी स्टार के ना होते हुए भी उस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नहीं भी आया तो इट्स नेवर द लेस, लेकिन मैसेज मेरा वही है कि इस मूवी को जाके आप जल्द से जल्द देखिए अगर नहीं देखी हो तो, होपफुली वैसे आपने मूवी देखी ली होगी। सो ये हमारा व्यू था इस मूवी के लिए, सुशांत सर के लिए हमारा एक ट्रिब्यूट था। सो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज तरुण पुरोहित अलॉन्ग विथ मधु पुरोहित एंड सनी पुरोहित साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Thank you.